Morning student, yesterday was chapter number 6. Okay, so today is continue this chapter. Okay, our today's topic is what to do in case of a fire. ठीक है, what to do in case of a fire, यदि आग लग जाए तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए. ओके, अ फायर नीड्स एयर टू कीप बर्निंग. आप तो ये सभी जानते हो, जो फायर होती है, आग जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. इन इट कैन बी पुट आउट बाय कटिंग ऑफ इट्स एयर सप्लाई और कूलिंग डाउन द बर्निंग सबस्टेन. मतलब यदि आग को हमें बुझाना है तो सबसे पहले हमें उसका जो एयर सप्लाई है उसको कट ऑफ करना होगा. ठीक है ना, तभी आप बुझ सकते हैं. ठीक है ना, इन केस ऑफ स्मॉल फायर्स दैट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. यदि हमें इन केस ऑफ स्मॉल फायर, यदि मतलब हल्की फुल्की आग यदि लगी है तो उस केस में हमें कौन कौन से मेथड्स फॉलो करने होंगे, सो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर. मीन्स सबसे पहले इस टॉपिक है हमारा, मतलब जो आग के ऊपर या तो हम मिट्टी फेंकेंगे या फिर रेत को फेंकेंगे. ठीक है, तो देखिए दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई फॉर कवरिंग द सबस्टेंस ऑन फायर. स्मॉल इलेक्ट्रिक फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन दिस वे. मीन्स कहने का मतलब है जो यदि एयर सप्लाई, सबसे पहले यदि आग जल रही है तो उसमें हम आग जलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. एयर का सप्लाई जो ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे जिससे एयर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए. ठीक है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फायर, या और हमारे घरों में ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फायर होता है जिसको हम फायर एक्सटिंक्शर कहते हैं, उसका यूज़ हम करेंगे. ओके, सेकेंड वाला टॉपिक है हमारा पॉरिंग वाटर ओवर द फायर. अब इसमें देखिए क्या होता है, दीज कूल्स डाउन द बर्निंग सबस्टेंस एंड ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई. यानी जलती हुई आग के ऊपर हम क्या डालेंगे, पानी फेंकेंगे उसके ऊपर, पानी डालेंगे. तो पानी डालने से क्या होगा, जो आग जल रही है तो उसका जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा. पानी डालने से टेम्परेचर कम हो जाएगा और एयर सप्लाई जो है वो टूट जाएगी. ठीक, थर्ड वाला देखो, यूजिंग अ फायर एक्सटिंक्शर, मतलब फायर एक्सटिंक्शर का यूज़ करना. आगे देखिए, दिस इज़ अ सिंपल डिवाइस टू एक्सटिंक्श अ फायर. यानी आग को बुझाने के लिए सिंपल डिवाइस होता है जिससे आग बुझाई जाती है. फायर एक्सटिंक्विशर्स आर ऑफ वेरियस टाइप. जो फायर एक्सटिंक्विशर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, डिवाइस होते हैं, वो टू टाइप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट देखो, देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंक्विशर फॉर इलेक्ट्रिक फायर्स. मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, यानी जो बिजली वाली आग होती है, बिजली से यदि आग लग जाती है तो बिजली से आग जो जब लगती है तो स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं. बट दे ऑल वर्क इन द सेम वे, है ना. लेकिन जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वेरियस टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उनका वर्क करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है. ओके, बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर, है ना. चाहे इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर हो, दोनों तीन जितने भी प्रकार के वेरियस टाइप्स के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको वर्क करने का तरीका एक ही होता है. वो क्या करते हैं, वो कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर. वो आगे से फायर से क्या करते हैं, एयर का सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कट कर देते. ठीक है, देखिए इस टाइप से होते हैं. ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये सैंड बकेट है, देखिए सैंड बकेट है. सेकंड वाला देखो, फायरमैन पुटिंग ऑफ ए फायर. इस तरीके से फायरमैन जो होते हैं आग को इस तरीके से बुझाते हैं. थर्ड वाले में देखो, यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो बॉय है उसके हाथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी जिससे कि आग बुझाई जाती है, तो उसका यूज़ करके आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ओवर ए फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो ये टॉपिक है हमारा, जब इलेक्ट्रिसिटी, यदि हमें बिजली से यदि इलेक्ट्रिसिटी से यदि आग लगती है तो उसके ऊपर हमें कभी भी वाटर नहीं डालना चाहिए. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका डिटेल में पढ़ेंगे. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड रिजल्ट इन ए पर्सन गेटिंग एन इलेक्ट्रिकल शॉक. यदि
यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के कारण यदि आग लगी है, बिजली के कारण यदि आग लगी है, तो उसके ऊपर हम पानी नहीं डालेंगे, है ना। यदि हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका करंट जो है फैल जाएगा, है ना, और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी थ्रोन ओवर बर्निंग पेट्रोल और कैरोसिन, यानी जो बर्निंग यानी जो पेट्रोल, ध्यान दो, पेट्रोल जब चलता है, पेट्रोल से जब आग लगती है या फिर कैरोसिन से जब आग लगती है, तो उसके ऊपर भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो अब कैसे बुझाएं इसके लिए, आगे देखो। दीज आर लाइटर देन वाटर एंड वुड फ्लॉट ओवर इट एंड कंटिन्यू टू बर्न। आप लोगों ने देखा होगा जब पेट्रोल की जो आग होती है, पेट्रोल से लगी आग या फिर मिट्टी के तेल से लगी आग, उसके ऊपर यदि हम पानी डालते हैं तो जो वाटर होता है वाटर के ऊपर ये दोनों जो होते हैं फ्लॉट करने लगते हैं, है ना, ठीक है ना। तो क्या होता है, इससे आग जो है और ज़्यादा कंटिन्यू हो जाती है और बहुत तेज आग लगने लगती है। तो इंस्टेड दिस कुड कॉज द फायर टू स्प्रेड, और फिर हम क्या करेंगे, इससे आग जो है बहुत और ज़्यादा फैल सकती है। अब क्या करें इस कंडीशन में, इफ़ द फायर इज बिग, या और आग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, यदि आग जो है बढ़ जाती है, इट इज़ बेस्ट टू शॉर्ट फॉर हेल्प एंड टू इमिजिएटली कॉल द फायर ब्रिगेड, है ना, गिव द करेक्ट एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ फायर। मतलब यदि आग जो है हमारी बढ़ गई है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अब जो फायर ब्रिगेड है, हमें तुरंत इमिजिएटली जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, और देखो और उनको बिल्कुल करेक्ट लोकेशन और करेक्ट एड्रेस हमें देना चाहिए, ठीक है, जहाँ भी आग लगी हो वहाँ का करेक्ट लोकेशन और करेक्ट जो है एड्रेस देना चाहिए, ताकि फायर ब्रिगेड जो है जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच सके और आग बुझा सके। ओके, द फायर ब्रिगेड हैज़ अ सिंपल टेलीफोन नंबर सो दैट द पीपल कैन रिमेंबर इट, इट इज़ यूजली 101। यानी फायर ब्रिगेड का जो नंबर होता है बहुत ही सिंपल टेलीफोन नंबर होता है, ये सिंपल डिजिट्स होते हैं, ताकि लोग जो हैं इनको बहुत आसानी से लोगों को याद हो जाए। आपको भी पता है होना चाहिए कितना नंबर है इसका, 101, हमेशा याद रखना फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101। ओके, ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड क्या होता है, देखिए, फायर ब्रिगेड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेंड टू एक्सटिंग्विश फायर। मतलब फायर ब्रिगेड क्या, पता ही है आप लोगों को, फायर ब्रिगेड जो होती है एक प्रकार का ग्रुप होता है लोगों का, है ना, वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आग जो है किस तरीके के आग को किस तरीके से बुझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है उनको, तो इसलिए उनको फायर ब्रिगेड के वो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को कि किस टाइप आग किस टाइप की है और किस टाइप की आग को किस तरीके से हम बुझाया जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, What to do if clothes catch fire? यदि हमारे कपड़ों में आग लग गई है तो हम क्या करें, ठीक है ना। If your clothes catch fire, यदि हमारे कपड़ों में यदि हमें आग लग गई है तो रोल ऑन द ग्राउंड, हमें क्या करना चाहिए, ज़मीन पर रोल गोल गोल, जैसे कि पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो उससे कपड़ों में आग लगी है तो दूसरा व्यक्ति जो है उस बच्चों को बिल्कुल कपड़ों में लपेट कर, कपड़े कौन से होते हैं, या तो ब्लैंकेट हो या फिर हमारा जो कारपेट होता है उसमें लपेट कर उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है, घुमाने से क्या होता है उसके कपड़ों में जो आग लगी होती है वो तुरंत बुझ जाती है। ओके, और ठीक है ना, अब देखिए कौन कौन से हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट देखो, इफ़ अ ब्लैंकेट और ए रग इज़ अवेलेबल नियर बाय, हमारे आसपास यदि या तो ब्लैंकेट है वो या फिर रग जो होती है ना, उससे हम उसको क्या करेंगे, रोलिंग अप करेंगे, इट इज़ ए मोर इफेक्टिव इन कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, है ना, एयर सप्लाई रोकने, आप लोग पता है एयर जो आग जो जलती है किससे जलती है, एयर से जलती है, एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत जल्दी से तेज़ी से जलने लगती है, तो इसमें क्या, यदि ऐसे ब्लैंकेट से यदि हम उस व्यक्ति को लपेट देंगे तो क्या होगा, उसकी एयर सप्लाई बंद हो जाएगी, उसको एयर नहीं मिल पाई तो आग भी नहीं जलेगी, आग बहुत आसानी से बुझ जाएगी। सेकंड देखो, इफ़ पर्सन एल्स क्लॉथ से कैच फायर, यदि कुछ मतलब एल्स कैच फायर, यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर, यदि
एक दूसरा तरीका ये है कि यदि किसी की किसी कपड़ों में आग लग रही है तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, पानी से भी आग बुझ जाती है। नेक्स्ट देखो थर्ड टॉपिक देखो, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यदि पानी नहीं है हमारे पास, रैप द पर्सन अप इन ए ब्लैंकेट, यदि हमारे पास पानी नहीं है तो हमारे पास मोटा कपड़ा है या कंबल है तो जिस पर्सन में के कपड़ों में आग लगी है उस पर्सन को उस ब्लैंकेट में हम रैप कर देते हैं, यानी उसको मतलब पूरी तरीके से कम्बल उड़ा दिया जाता है। रग ऑन ओवरकोट, या फिर मोटा ओवरकोट होते हैं जो कोट पहनते हैं हम सर्दियों में, वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो हाउएवर डू नॉट लीव द पर्सन कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा देर तक उस व्यक्ति को कम्बल में नहीं लपेटना है ना। दिस कैन रिजल्ट, यदि ज़्यादा देर तक हम उसको कम्बल में लपेटेंगे तो क्या होगा, इन सेवरल बर्न्स टू द बॉडी एज अ ब्लैंकेट विल नॉट अलाउ द बर्न्ट एरिया टू कूल, इससे क्या होगा वो व्यक्ति जो जल चुका, जो उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स जो जल चुके हैं, वो ब्लैंकेट जो है इसके पास से उसके ब्लैंकेट जो है ब्लैंकेट के कारण जो है वो ब्लैंकेट उसके जले हुए ऑर्गन पर चिपक जाएगी, है ना। रिमूव द ब्लैंकेट, फटाक से हम जल्दी से आग बुझ चुकी है तो जल्दी से हम रिमूव करेंगे ब्लैंकेट को और आपको भी आग तो बुझ ही जाएगी। इस पुट आउट एंड टेक स्टेप्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंशन, ठीक है। आप देखिए ये जो मैं आपको ये जो फायर है अपनी कॉपी में इस टेबल को बना लीजिएगा आप लोग, फायर एक्सटिंग्विश बाय है, सैंड और मड है, तो ये आप लोग पूरा अच्छे से अपने सेकेंड टाइम डालकर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम फिर इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।